हेलो एवरीवन तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द चैप्टर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग विच इज़ द फर्स्ट टॉपिक तो आज के इस वीडियो में हम मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक सीखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सीखेंगे और एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व भी करेंगे जिससे आपके फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करने का जो मेन पार्ट है वो आपको पता चले तो शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग देखो मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल आपने सेमिस्टर फाइव में दो टाइप के कॉस्ट पढ़े होंगे कॉस्ट चैप्टर में द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज वेरिएबल द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट तो दिस चैप्टर बेसिकली फोकस मोर ऑन द वेरिएबल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है दैट इज अ टेक्निक इज़ अ टेक्निक ऑफ़ कंट्रोलिंग बाई ब्रिंगिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड द वॉल्यूम तो प्रॉफिट और वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशनशिप है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं हम प्रॉफिट का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं हमारे सेल्स के साथ इसके लिए हम कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन अभी क्या नया कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है आप अगर दस रुपए का एक प्रोडक्ट बेचते हो तो उसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है उसके बाद हम प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं वी आर फाइंडिंग आउट द आर प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड देन वी आर डिडक्टिंग द फिक्स कॉस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मेन पॉइंट ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने के साथ वो भी कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होता है फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो सेल से रिलेटेड नहीं होता वो कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था जिसके लिए फिक्स कॉस्ट के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है रेंट अगर हम घर में रहते होंगे रेंट पे हमने अगर घर लिया है और अगर हम घर पे रहते हैं तो हमें रेंट भरना ही है अगर हम कुछ मंथ्स के लिए बाहर जाते हैं तो भी हमें रेंट भरना ही पड़ता है तो दैट इज इट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट इफ़ यू सी द वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्समैन का कमीशन सेल्समैन का कमीशन अगर टेन परसेंट मैंने रखा है तो टेन थाउजेंड अगर आप सेल करोगे तो भी सेलिंग सेल्स uh, के ऊपर कमीशन टेन परसेंट है तो टेन थाउजेंड का टेन परसेंट वन थाउजेंड आ जाएगा अगर हम सेल्स को बढ़ाते हैं ट्वेंटी थाउजेंड कर देते हैं तो सेल्समैनस का कमीशन तो टेन परसेंट ही है लेकिन ट्वेंटी थाउजेंड पर अभी टेन परसेंट टू थाउजेंड आ जाएगा मतलब जैसे जैसे सेल्स बढ़ता है वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ती है जैसे जैसे सेल्स कम होता है वैसे वैसे ये कॉस्ट कम होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे जानते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर टू इंपॉर्टेंट कॉस्ट बट बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर मोर फोकसिंग ऑन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग तो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप जिसमें हम पी वी एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में पी का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है इस मार्जिनल कॉस्टिंग का जो हम आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद रखना है दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन द बेिस ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो देखो कैसे करना है से फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स की वैल्यू लेता हूँ टेन थाउजेंड सेल्स मैंने अज्यूम किया टेन थाउजेंड ताकि आपको समझ में आ जाए सेल्स टेन थाउजेंड सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं से फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट है हमारा सिक्स थाउजेंड तो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी वैल्यू मिलेगी फोर थाउजेंड इस वे फोर थाउजेंड को इस चैप्टर में क्या नाम देना है हमको इस चैप्टर में हमको इसको नाम देना है कॉन्ट्रीब्यूशन तो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे मिलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि आपका फिक्स कॉस्ट वन थाउजेंड है फोर थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड करेंगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा थ्री थाउजेंड तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें मिलता है प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज द फाइनल आंसर और आपको इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है जो मैंने यहाँ पे दिया है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है देखो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है तो इक्वेशन क्या बनेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढना है तो आप बोलेंगे कैसे ढूंढना है सर कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बराबर है और दूसरी तरीके से भी कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढ सकते हैं प्रॉफिट में अगर हम फिक्स कॉस्ट को ऐड करें देखो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट ठीक है देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स हमारा कितना है टेन थाउजेंड है वेरिएबल कॉस्ट कितना है सिक्स थाउजेंड है तो हमको कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फोर थाउजेंड ये एक तरीका दूसरा तरीका प्रॉफिट कितना है हमारा थ्री थाउजेंड है प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है वन थाउजेंड है तो फिक्स फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट इज ऑल्सो फोर थाउजेंड तो द मेथड्स वी कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फार्मूलाज कोई भी फॉर्मूलाज से आप कोई भी आंसर तक जा पाओगे इसलिए फॉर्मुलाज ध्यान रखने के लिए ये इक्वेशन याद रखना है आई होप कि आपके यहाँ इक्वेशन क्लियर हुआ रहेगा इक्वेशन क्या है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज प्रॉफिट एंड द इक्वेशन विच यू हैव टू रिमेंबर इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यही इक्वेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू रिमेंबर आगे बढ़ते हैं तो सम फॉर्मूलाज है आपको ध्यान रखना ये फॉर्मूलाज है ध्यान से इसको पढ़ते रहना और जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे उतने आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू हंड्रेड देखो पीवीआर कैसे ढूंढते हैं कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढते हैं अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा तो पी का फॉर्मूला क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर हम सेल्स से डिवाइड करेंगे और ये परसेंटेज में आता है इसलिए इंटू हंड्रेड करना है फिर कंट्रीब्यूशन ढूंढने का दूसरा तरीका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू हंड्रेड बात यही है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आंसर तो कंट्रीब्यूशन ही आएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है पीवीआर वी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में हम कभी कभी दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड फार्मूला तो वहाँ पे आपको याद रखना है जब आपके क्वेश्चन में दो साल दिए रहेंगे टू इयर्स दिए रहेंगे टू पीरियड्स दिए रहेंगे तो वी हैव टू यूज द सेकंड फार्मूला एंड द सेकेंड फार्मूला इफ टू ईर्स आर गिवन चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इन टू फिलहाल आप सिर्फ फार्मूला को याद रखें हम हर एक टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दोज फार्मूलाज विच वी आर लर्निंग नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस उतने ब्रेक इवन तक हमें जाना ही है उसके ऊपर जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हमने जितनी कॉस्ट लगाई है उतनी कॉस्ट कौन से ब्रेक इवन तक आएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है बीईपी बीईपी हम रुपीज में कैलकुलेट करते हैं एज वेल एज वी आर कैलकुलेटिंग इट इन दूनिट्स तो बीईपी रूपीज का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी वी आर और बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ध्यान रखना इस चैप्टर का एक सिंपल रूल आपको बता के रखता हूं जहां पे भी यूनिट्स की बात करेंगे जहां पे भी यूनिट्स की बात की जाएगी वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा ठीक है यूनिट्स अगर पूछेंगे तो डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से और अमाउंट अगर पूछेंगे तो डिवाइड करना है पीवीआर से दैट इज द सेकंड फॉर्मूला थर्ड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी दो फॉर्मूलाज है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो फर्स्ट फार्मूला है एम के बेसिस पे एम इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स दैट इज द फर्स्ट फार्मूला एंड द सेकेंड फार्मूला इज एम इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पी तो प्रॉफिट को अगर हम पी से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा तो अभी आप कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है तो ये दोनों फार्मूलाज आप कभी भी यूज कर सकते हैं एनी फार्मूला यू कैन यूज एनी फार्मूला यू कैन यूज अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो यूजुअली हम सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं दोनों फॉर्मूला से जो हमको आंसर मिलता है वो सेम ही मिलता है तो यूजुअली वी आर यूजिंग द सेकंड फार्मूला नॉर्मली कभी कभी फर्स्ट फार्मूला भी हम यूज करते हैं तो मैं आपको दोनों फार्मूलाज से कैलकुलेशन सिखाऊंगा अगर दोनों फार्मूला से आंसर सेम आता है दैट मीन्स यूर आंसर इज राइट फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे फोर्थ फार्मूला है हमारा फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस प्रॉफिट ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट देखो ये फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला है और ये सिक्स नंबर का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम है अगर हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स इंटू पी करके प्रॉफिट करेंगे माइनस और अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स इंटू पी तो सेम है सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के जगह पे हम फिक्स कॉस्ट लिखेंगे तो यहां पे यहां पे कॉस्ट कॉस्ट लिखेंगे, लिखेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है कभी कभी आपको क्वेश्चन में और रिक्वायर्ड द पॉइंट रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला बनता है फिक्स कॉस्ट प्लस पी वी आर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवीआर लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि इन समर units क्वेश्चन ऑन दूनिट्स इफ़ यूनिट बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आपको यूनिट्स पूछा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो और अगर आपको अमाउंट पूछा है तो पीवीआर से डिवाइड करो ये जो छ फॉर्मूलाज है इसी पे पूरा आपका कैलकुलेशन बनेगा एक थोड़ा सा रिविजन देखो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है ठीक है अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूं तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वीन नाव चलो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं सारी चीजें करेंगे एक एक करके अ प्रोडक्ट इज इज सोल्ड फॉर पर यूनिट इट्स वेरिएबल कॉस्ट सिक्स एंड फिक्स कॉस्ट इज ट्वेंटी थाउजेंड कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बीईपी रूपीज एंड यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ फोर्टी थाउजेंड रिक्वायर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज वन लाइक तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको ये इक्वेशन लिखना है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है इतना लिखना है पहले बाकी का लेस फिक्स कॉस्ट वगैरह नहीं लिखना है बिकॉज ये यूनिट दिया है और यहाँ पे अमाउंट दिया है तो so, सेल्स देखो कितना है प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर रूपीज टेन यहां पर मैं लिखूंगा रूपीज टेन वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया है सिक्स तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिक्स तो टेन माइनस सिक्स करेंगे तो कितना आएगा फोर आएगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी फोर तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमको आया फोर ध्यान से सॉल्व करना है इसको यहाँ पे अगर कुछ भी गलत कर दोगे तो आगे आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ठीक है सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोला है पी वी आर डू बी कैलकुलेट पीवीआर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर सेल्स से डिवाइड करेंगे इंटू हंड्रेड करेंगे Contribution कितना मिला फोर डिवाइडेड बाई टेन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो एंसर विल बी फोर्टी परसेंट तो फोर्टी परसेंट आपका पीवीआर हैलकुलेशन बट सिंपल चीज ही हमेशा गलत होती है और इस पूरे चैप्टर में अगर आपने पी को गलत कर दिया तो आगे आपके सही क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएंगे आगे के सारे कैलकुलेशन आपके गलत हो जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं तो क्वेश्चन मैंने सामने रखा है आपके यही क्वेश्चन है पी तो हमने कैलकुलेट कर लिया चलो इधर मैं लिख लेता हूँ पी हमारा हो चुका है क्या था फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स टू रेड फोर डिवाइडेड बाय टेन टू रेड कितना परसेंट हमारा पीवीआर आया आर आ चुका है फोर्टी परसेंट ठीक है आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट में सेकेंड पॉइंट क्या है बीपी बीपी पीस रुपीस का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना है फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स कॉस्ट है ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है फिक्स कॉस्ट देख लेते एक बार फिक्स कॉस्ट कितना है ट्वेंटी थाउजेंड सब्सट्रीट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर्टी परसेंट क्या करना है आपको ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड करना है फोर्टी और परसेंटेज का साइन आपको प्रेस करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा रुपीजी थाउजेंड दिस इज योर ब्रेक ब्रेक पॉइंट इन रुपीज अभी हम ढूंढेंगे बी पी यूनिट्स में। चलो बीपी यूनिट्स में भी ढूंढ लेते यूनिट्स क्या है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ठीक है हमको कंट्रीब्यूशन कितना मिला था एक बार देख लेते हैं देखो अभी हमने सॉल्व किया था कंट्रीब्यूशन था फोर चलो सब्सटीट्यूट कर लेंगे फिर कॉस्ट कितना है हमारा फिक्स कॉस्ट है हमारा ट्वेंटी थाउजेंड और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है कितने यूनिट्स आएंगे फाइव थाउजेंड आगे लिखना है यूनिट्स ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बीपी रुपीस एंड बीपी यूनिट्स बोथ वी हैव कैलकुलेटेड लेट सी फर्दर व्हाट इज आस्क फर्दर आगे आपको पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ फोर्टी थाउजेंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ जब भी ऐसा पूछेंगे एट अ प्रॉफिट ऑफ तो एम का जो सेकेंड फॉर्मूला है वो यूज करना है प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे चलो वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं पीपी हो चुका है हमारा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट थर्ड एम ओ एस इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी वी आर कितना दिया था प्रॉफिट एक बार चेक कर लेंगे प्रॉफिट दिया था फोर्टी थाउजेंड आगे बढ़ते हैं, फिर प्रॉफिट को सब्सट्रीट्यूट करते हैं प्रॉफिट दिया है फोर्टी थाउजेंडर कितना पी आर है हमारा फोर्टी परसेंट फोर्टी थाउजेंड को आपको डिवाइड करना है। है, है, कितना मिलेगा? आ आ गया, चुका ठीक यही फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो फिर वो सब फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे लास्ट पॉइंट ढूंढ लेते हैं फोर्थ नंबर एक बार चेक कर लेते क्या पूछा है लास्ट पॉइंट में लास्ट पॉइंट में हमको पूछा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज वन लैख सेल्स रिक्वायर्ड ठीक है क्या पूछ रहा है सेल्स रिक्वायर्ड पूछ रहे तो रिक्वायर्ड सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स इफ प्रॉफिट पीस वन लैख फॉर्मूला काफी इजी है ध्यान रखना फॉर्मूला है रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर क्या था हमारा फिक्स कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड प्रॉफिट कितना वन लैख उन्होंने दिया है और प्रीवियर कितना है हमारा फोर्टी परसेंट कैलकुलेट करो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड को डिवाइड करो फोर्टी परसेंट आंसर मिल जाएगा रुपीस रुपीस दैट इज योअर कैलकुलेशन तो दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने देख लिया आज के क्वेश्चन में आई होप कि इंट्रोडक्टरी सेशन आपका क्लियर हुआ है अगर कोई भी पॉइंट में आपको कुछ क्वेरीज है यू कैन पर्सनली मैसेज मी चैट कर सकते हम तो चैट का फंक्शन आपके पास इनेबल है आप मैसेज करें मैं आपको रिप्लाई करने का काम करूँगा उस पर और आपको उससे डाउट जो भी होंगे वो भी हम सारे के सारे क्लियर कर लेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर